हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि सिद्धि ब्यूटीफुल लाइफ। ये देखिए, मेरे पास घर के सामने छठ पूजा हो रहा है, उसका तैयारी चल रहा है। देखिए कैसे बनाया है छठ घाट, मतलब गड्ढा बनाया जाता है। ये देखिए लाइट वाइट लगाया है, टैंकर से पानी भरा जाता है और फिर ये प्लास्टिक, बड़ा सा प्लास्टिक डाल के उसमें पानी टैंकर से भर दिया जाता है। टैंकर आता है और पाइप लगा के पानी भर दिया जाता है। बहुत अच्छे से धूमधाम से होता है हमारे मोहल्ले में छठ पूजा। देख लीजिए रिद्धि सिद्धि मच्छरदानी में सो रही है अभी दोनों। अभी बहुत सुबह सुबह है ना, जगी नहीं है ये लोग, इसलिए तो चाय जल्दी से बना के पीते हैं पहले। इधर सिद्धू सोई है, सबसे पहले चाय पी लेते हैं ये लोग अगर सोई रहती है तो। उसके बाद फिर देखिए अब अच्छे से दिखेगी मच्छरदानी के अंदर से। हाँ, ये रिद्धि सो रही है और सिद्धि इधर सोई है अपना बॉटल लेके। दोनों सो रही है अभी। खूब तैयारी चल रहा है छठ का। आज पहली अर्घ है ना, शाम वाला अर्घ, तो सब तैयारी में लगे हुए हैं। बाहर मेरे तो घर के जस्ट सामने ही होता है, तो यहाँ से भी मतलब पूरा क्लियर दिखता है अपने बालकनी से। ये बांस वांस गिराया है, डेकोरेशन के लिए रखे हैं बांस सब, हमको लगता है घेरने उड़ने के लिए कुछ डेकोरेशन होगा। एक और प्लास्टिक डाल रहे हैं, अभी बिछाएंगे वहाँ पे। फिर सभी को बैठने के लिए चादर डाला जाएगा, वो भी हम दिखाएंगे जितना तैयारी होगा। अभी सामने दिखाते रहेंगे। ये देखिए मिनी लाइट लगाया है, रात में बहुत सुंदर लाइटिंग मतलब जल रहा था, लाइट वीट। सभी लोग झाड़ू उड़ू, जिनसे जो मदद होता है, छठ भगवान के नाम पे कौन नहीं करेगा, सब लोग करते हैं। हम तो बार बार बाहर झांक के देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। एक बार रिद्धि सिद्धि को झांकेंगे, ये लोग जगी क्या, और एक बार उधर। और काम भी अपना करना ही है, किचन का वो भी कर लेते हैं आते हैं तो। अभी तो कुछ भी नहीं, ऐसा बस दूध गर्म किए हैं। मेरा दूध भी जल गया आज थोड़ा सा ये सब देखने के चक्कर में। देखिए रिद्धि जगी, दोनों जग गई है। कैसे मसरी से, मच्छरदानी से निकलने का कोशिश कर रही है मसरी से, और निकल पाएगी, निकल जाती है हटा के, क्योंकि दबाते नहीं है ना। बाद में सुबह में हम लोग निकलते हैं तो फिर उतना खोजते नहीं अंदर। सिद्धि इंतजार कर रही है कि कोई आके हमको निकालेगा। सिद्धि को निकालना होगा अब। इन लोगों को तैयार करा देंगे ना, ये लोग जाएगी नीचे थोड़ा घूमेगी। ठंडा रहता है तो पैर में सॉक्स डाल देते हैं, टोपी लगा देते हैं सुबह सुबह। और फिर अब ये लोग जाएगी घूमेगी थोड़ा, बस नीचे जाने का देरी रहता है। उसके बाद तो कभी इसके गोदी कभी उसके गोदी, सब लोग खूब घुमाते हैं इन लोगों को। सिद्धू भी थोड़ा दूध पी के रेडी हो जाएगी ना, तो फिर लेते जाएंगे इन लोगों को नीचे। अभी इन लोगों को भी खूब मजा आ रहा है ना, बाहर लोग बाग देखने मिल जा रहा है। सिद्धू जल्दी जल्दी बॉटल फिनिश करो बेटू, जल्दी बॉटल फिनिश करो, घुट्टू घुट्टू करो जल्दी से, फिर जाएगी ना घूम घूम। ये सभी लोग क्या करने लग गए, टैंकर को पास करने के लिए जगह बना रहे थे शायद। फिर दूसरा टैंकर आया है, देखते हैं हम लोग बालकनी से ही मतलब देख लेते हैं, सामने सारा चीज़ दिखता है। मेरा खाना भी बन रहा है ना, आलू पत्ता गोभी का सब्जी बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब कुछ तो बनेगा ही। दूध दूध गर्म किए, बच्चों के लिए उपमा भी बनाएंगे ही। लेकिन आज उधर भी जाके देखते हैं। और शाम में तो आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि भोग बनता है, ये लोग करवाते हैं, सबके घर से कलेक्शन करते हैं और फिर भोग बनता है। रिद्धि के पापा भी 200 भोग के लिए और 200 डेकोरेशन के लिए दिए हैं 400 रुपया। तो अभी
हो जाएगा। शाम में सभी लोग भोग घर में ही आता है, जैसा कलेक्शन होता है उस हिसाब से। अब भोग में देखिए खिचड़ी सब्जी ये सब बनता है, टमाटर का चटनी। सिद्धू घूम के आ गई, अब सिद्धी को देखिए ये पहनी है पैर में। कल इसके पापा इन लोगों को खरीद के पहना दिए हैं, हमको पता ही नहीं था कि ये नहीं पहनाया जाता है अपने घर में। अभी बात बात हुआ तो माँ बोली, फिर इसकी बुआ लोग भी बोली कि नहीं भाभी अपने घर में नहीं पहनाया जाता है ये बच्चों को ये वाला। तो हमको नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, तो ये कल खरीद के डाल दिए थे इन लोगों का पैर में, डलवा दिए थे उधर ही, बाहर ही खरीदे, बाहर से डलवा के ही लाए। घर आई तो देख रहे हैं कि पहन के आई है, तो अब ये निकाल देंगे, नहीं रखेंगे पैर पर, देख रहे हैं तो खोल के रख देंगे भाई, हम नहीं रिस्क लेंगे ये सब चीज़ में क्योंकि ये सब सजने धजने का तो सब दिन है, नहीं पहनाएंगे। अच्छा तो लग ही रहा था पैर में, बहुत सुंदर लग रहा था काला और सफ़ेद मोती का, लेकिन निकाल दिए हम। नहीं कुछ हुआ होगा कभी किसी बच्चे के साथ, इसलिए नहीं डाला जाता है, होता ना कुछ कुछ चीज़ का रिवाज नहीं रहता है। हमको नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, तो निकाल दिए। और हाथ में जो ये पहनी है ना ये वाला चांदी का है, चांदी का मोती है इसमें, तो ये पहन सकती है। ये वाला जो मोती आता है वाइट और ब्लैक, उसका नहीं पहनाना है, तो हम निकाल दिए। क्या जाता है बच्चा के साथ, क्यों हम ये सब नया नया चीज़ करें जब नहीं होता है। देखिए मेरा रोटी भी बन गया, पराठा और रोटी दोनों बनाए हैं, और आलू पत्ता गोभी का सब्जी भी बन गया है। अब दाल चावल है, वो तो खैर लेट से बनाएंगे, अभी ये लोग घूम ही रही है। आज तो हम भी एक कदम इधर एक कदम उधर, सिद्धू देखिए अभी सो गई है, अब ये जग जाती तो इसको तैयार करा देते, लेट से ही करेंगे, तब तक हम नहा धोवा के आ जाएंगे। फिर से आप लोगों को एक बार अपना छठ घाट दिखा देते हैं, देखिए सज गया है अब ऊपर पे ऐसे रोलेक्स से घेरा बना के बन गया है, और ये चेयर सब ला के रखे हैं इनको, इसको सर शाम में, और ये चादर भी से रखना जाएं 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 जाएं। जहाँ जहाँ पे जिसका डाला रखाएगा उस जगह पे अपना अपना चादर रख देते हैं सभी, ताकि शाम में सब लोग आके बैठेंगे। खूब धूमधाम से होता है यहाँ तो। ये देखिए इन लोगों का कपड़ा लेके हम बैठे हैं, बैग, इन लोगों का क्या पहना है। मेरे पसंद से तो ये लोग कपड़ा भी नहीं पहनती है, दीदी लोग जो घुमाती है वो लोग ही बोलेगी ये वाला नहीं आंटी, ये तो पहनी थी अभी, इसको तो अभी उस दिन पहनी थी, वो पहनाएंगे ये पहनाएंगे। हम तो बोले ये येलो वाला फ्रॉक कितना अच्छा लग रहा है, पहना दो सामने, पहना देते हैं सामने। बोले नहीं ये नहीं पहनाना है, ये वाला तो पहन चुकी है बहुत बार। विभाग तुम लोग तो मेरा भी सर खाती है रे इन लोगों का मेकअप के चक्कर में अभी इतनी छोटी है कुछ भी पहना दो। हम तो बोले स्वेटर डाल दो, बोले स्वेटर रात में पहनाएंगे, शाम में जो घाट किनारे जाएगी तो उसके लिए अलग फ्रॉक दिखा निकालिए, या फिर बोल रही है सूट पहनाओ पहनाइए जो दिवाली के दिन पहनाए थे, तो आयरन करना होगा हमको, उसमें आयरन नहीं है अभी, तो आयरन करके देना होगा क्योंकि धो दिए थे ये लोग। बच्ची है अभी पहनती है गंदा कर देती है, कुछ कुछ खा ली लगा ली, तो ये देखिए नेल पॉलिश लगवा रही है रिद्धि। अब इन लोगों को नहला धोवा के तैयार करा दिए हैं, देखिए कैसे नेल पॉलिश लगवाती है, कैसे कितना शौक है सजने का इन लोगों को, पूरा हाथ बढ़ा बढ़ा के दे रही है, उसको ऐसे फैला भी नहीं रही है। देखिए दीदी लोग ना इन लोगों को पूरा मेकअप वेकअप में एक्सपर्ट बना दी है, दूसरा हाथ में भी लगवाएगी, दूसरे हाथ में भी लगाएगी, अभी पैर में लगवाएगी। बहुत शौक है इन लोगों को मेकअप का,
लेकिन रिद्धि का क्या है, मेकअप करा लेगी उसके बाद फिर उसको निकाल उकाल देगी, क्लिप रबड़ जो भी लगाते हैं। सिद्धि जल्दी नहीं निकालती, सिद्धि कुछ देर रखती है, वो भूल जाती है कि मेरा सर में कुछ लगाई है, क्लिप लगाई है या मेकअप कुछ लगाई है। और रिद्धि तो नोच के हटा देती है। तुम भी लगवाएगी सिद्धू? सिद्धू भी लगवाएगी क्या? सिद्धि भी लगवाएगी। उसको मन हो रहा है छू लें कि खा लें। रिद्धि पहले भी घूमने जाती है तो दीदी लोग से आंटी लोग से लगवाई है एक दो बार में नेल पेंट। सिद्धि नहीं लगाई है, इसको हम नहीं लगाते हैं इसलिए, और ये जाती है नहीं किसी के घर ज़्यादा इसलिए ये नहीं लगाई है। हमको लगता है आज पहली बार ही सिद्धि लगा रही है नेल पेंट। सिद्धि नहीं लगाई थी, रिद्धि लगा चुकी है दो तीन बार। उंगली भी मुंह में लेती है ना, इसलिए हम तो लगाते ही नहीं हैं। अब सूट पहनेगी हीरोइन लोग तो लगाएगी अब नेल पेंट, पता नहीं क्या क्या ये लोग करेगी। कितना सजेगी। ठीक है जी सिद्धू, बाय कर दो। तो बाय कर दो बेटा, तुम तो नेल पेंट देने लगी। रिद्धि सिद्धि बाय बाय कर दो। तो बोलो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हम लोगों से ढेर सारा प्यार करते रहिएगा और मेरे वीडियो को खूब देखिएगा। थैंक यू।